अपने चारों आंखों को मेरी ओर लगा लो, दो आत्मिक और दो शारीरिक, चारों कान मेरी ओर लगा लो। आज प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 17 आयत में लिखा, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वो आए, जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। 20 आयत में लिखा, जो कोई जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है हां मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। हे प्रभु यीशु आ, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। सब बोलो आमीन। 17 आयत में फिर से पढ़ता हूं, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन। आज आपका चर्च में आने का सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं और प्रभु यीशु मसीह की बाट को, उसके इंतजार को कर रहे हैं। और आज मुझे वो कच्चे क्रिश्चियन नहीं चाहिए जो अपनी हीलिंग के लिए तड़फ रहे, आज मुझे वो लोग चाहिए जो स्वर्ग जाने के लिए प्यासे, जो परमेश्वर की बात को छोड़े, जो हर वक्त ये कह रहे हे प्रभु यीशु आ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, ओ आज मैं आग से भरा हुआ हूं चर्च। अगर आप जाने के लिए तैयार है स्वर्ग, तो हर वो आत्मा जो आपको रोकने वाली आज बाय फायर जाती रहे, आमीन। आज मैं उन लोगों से बात करने के लिए नहीं आया हूं जो सिर्फ अपनी अपने अपने अपनी मेस को, अपनी प्रॉब्लम को लेकर चर्च में आए हैं। आज मैं उन लोगों से बात करने के लिए आया हूं जो ये बात जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने के लिए फिर आने वाला है। वो आज रात मुझे लेने आने वाला है, पता नहीं कल रात मुझे लेने के लिए आने वाला है। अगर मैं पाप में होऊंगा, तैयार ना होऊंगा, वो मुझे छोड़ के जाएगा, और ऐसा आपके साथ कभी ना हो यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कहा आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, परमेश्वर ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं। अगर कोई प्यास है तो मेरे पास आए और जल पिए। पैसा आपकी प्यास को नहीं बुझा सकता, आप चंगाई ले भी लो, आपकी प्यास को वो नहीं बुझा सकती। परमेश्वर ने कहा जो मेरे लोग होंगे, जो दुल्हन होगी, वो यही कहेगी हे प्रभु यीशु आ। अगर आप सच्ची चर्च हैं, अगर आप सच्ची चर्च हैं, आप यीशु मसीह का इंतजार करते होंगे, यीशु मसीह कब मुझे लेने के लिए आए। अगर आप सच्ची परमेश्वर की चर्च हैं, तो आप प्रेयर करते होंगे कि परमेश्वर हमें लेने के लिए आ, और हम उस दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं और जीवित तेरे साथ उठने के लिए तैयार हैं। आपका आमीन छोटा चर्च। आज हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो पाप जो आपको परमेश्वर में आत्मिक बनने से रोके, बाय फायर वो जाए, आमीन। आज फायर आपकी स्पिरिट के अंदर एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आग आपकी आत्माओं के अंदर एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। थक चुका मैं लोगों को प्रीच करते हुए सुन के, कारों के बारे में, जेट्स के बारे में। ओ ऐसा नहीं होना चाहिए, कलीसिया तैयार रहनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं व्यभिचारी हूं तो शायद मैं वो मिस कर जाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए वहां रखा हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मेरा दिन चोर की नहीं होगा। कैसे होगा? कहता चोर की नहीं, कहता जिस दिन तुम्हें यह लगेगा कि मैं नहीं आऊंगा, मैं उसी दिन आऊंगा। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि अभी आने में देर है, मैं उसी दिन आ जाऊंगा। जिस दिन में ऐसा लगेगा ओ चार दिन बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग है जहां पे दर्शन व मिरेकल्स होंगे, लंगड़े चलेंगे, शायद उससे एक दिन पहले यीशु मसीह आ जाए। और बंदा सोचा हो उस बड़ी मीटिंग में मैं तौबा करूंगा और परमेश्वर को अपना जीवन दूंगा। आज जीवन देने का टाइम है, आज तौबा करने का टाइम है। अगर यीशु मसीह आज आ जाए तो आप स्वर्ग में जा सके। ब्लेसिंग्स मिस कर दो कोई बात नहीं, स्वर्ग मिस नहीं होना चाहिए चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज आपकी हर वीकनेस बाय फायर जाए, आपके घराने की हर वीकनेस बाय फायर जाए, हर कमजोरी बाय फायर जाए। हालेलुया, हर फायर से आपकी हर कमजोरी जाए। हर वो इंसान आत्मिक नहीं है जो अपनी कमजोरियों के विषय में काम नहीं कर रहा, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की अपनी कमजोरी के विषय में की, हे परमेश्वर मैं नहीं चाहता ये कटोरा मैं पीऊं, पर मैं यही जानता हूं इसी कटोरे को पीने के लिए तूने मुझे धरती में भेजा है। पर परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अपने 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 बाप से, अपने परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। आज कलीसिया की प्रार्थना क्या है? मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए क्योंकि मेरे पास्टर के पास भी है। आज कलीसिया की प्रार्थना क्या है? मुझे भी ऐसा घर चाहिए, मुझे भी ऐसी ब्लेसिंग चाहिए। लेकिन वो कलीसिया
वो ये काम के लिए तैयार नहीं कि क्या तेरा बच्चा स्वर्ग में जाएगा, तू ध्यान रख रहा है कि नहीं, क्या तेरी फैमिली तेरे साथ स्वर्ग में जा रही है कि नहीं, क्या तू स्वर्ग में जा रहा है कि नहीं, तेरी कमजोरियां क्या है, क्या तू उन पे काम कर रहा है कि नहीं। अगर आप आत्मिक हैं, आप अपनी आत्मिक कमजोरियों के ऊपर काम करेंगे, और अगर आप शारीरिक हैं, आपको उन कमजोरियों से कोई मतलब नहीं होगा, आपको यही मतलब होगा मेरे लिए कब प्रोफेसी होगी, मेरी हीलिंग कब होगी, मेरी डिलीवरेंस कब होगी, और कब परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे। बाइबल कहती है आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, आप दुल्हन है परमेश्वर की, आपकी सगाई हो चुकी परमेश्वर के साथ। और अगर सगाई के बीच में एक लड़की के संबंध बाहर किसी के साथ बन जाए और दूल्हे को पता हो, तो वो दूल्हा उसके साथ कभी शादी नहीं करता, आपकी सगाई हो चुकी यीशु मसीह के साथ। और एक प्रॉपर्टी का अगर बयाना हो जाए और मालूम हो जाए कि यह प्रॉपर्टी गलत है, तो वो बंदा रजिस्ट्री नहीं करवाता। बाइबल बताती आपका और मेरा बयाना हो चुका है, पवित्र आत्मा हमारा ब्याने का मनी है जो हमें ब्याने के रूप में मिला है। बाइबल कहती है अगर आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, आपका ब्याना हो चुका है, रजिस्ट्री होना बाकी है, तो मेक श्योर शैतान रजिस्ट्री के बीच में कोई भी रुकावट ना डाले और आप स्वर्ग में जा सके। आज के बाद चर्च में क्रिपल चलेंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, कोई शक नहीं। लेकिन ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, आज के बाद क्रिपल्स ऐसे चलेंगे, टूंडे लंगड़े ऐसे चलेंगे जैसे कभी भी नहीं चले। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये सामर्थ परमेश्वर इसीलिए आज इस चर्च को दे रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान कहां होना चाहिए, स्वर्ग में। हमारा ध्यान कहां होना चाहिए, क्या मैंने आज प्रेयर की कि नहीं की। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों के ऊपर काम नहीं करता, या तो आप अपनी कमजोरी को खाते हैं या कमजोरी आपको खाती है। जो व्यक्ति अपने काम को सही तरह से नहीं करते, या तो अपने काम को बंदा खाता है या काम उनको खाता है। जब काम लेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, फिर वो काम बंदों को खाने लगता है, बेचैनी खाने लगती है। इसलिए आलसी का मन हमेशा बेचैन रहते हैं। परमेश्वर ने कहा है आलसी चींटियों के पास जा और देख वो कैसे धूप काल में सर्दियों में अपने पदार्थ छुपाती हैं, क्योंकि जब चींटियां जो पदार्थ वो लेती हैं, जो खाना वो इकट्ठा करती हैं और छुपाती हैं जमीन के नीचे, जब वो खाने पे उल्ली लगती है, वो उल्ली वो चींटियां खाती हैं। गर्मियों में वो इकट्ठा करती हैं और सर्दियों में क्या करती हैं, धूप काल यानी गर्मियां, गर्मियों में क्या करती हैं वो इकट्ठा, और सर्दियों में जब बाहर आने का टाइम उन्हें नहीं मिलता, सर्दी की वजह से बाहर नहीं आ पाती, वो खाती हैं। परमेश्वर ने कहा चींटियों के पास जा और देख वो कैसे योजना बनाती हैं कि कैसे हमने जीना है। परमेश्वर कहता है चींटियों से सीख और योजना बना। आमीन, योजना बना। अगर तेरी प्रार्थना लाइफ कमजोर है, योजना बना तूने कैसे पूरा करना है। अगर तेरा उपवास की जिंदगी कमजोर है, तो योजना बना कैसे उपवास करने। तू चर्च की लाइफ तेरी कमजोर है, तू महीने में सिर्फ 2 बार जाता है, तो योजना बना तूने महीने में 8 बार कैसे जाने हैं। अगर आप योजना नहीं बनाएंगे, काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा सैमसन एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मम्मी को दूध बोलने के लिए आया। ऐसा व्यक्ति जो पैदा होने से पहले वो ग्रेस रखता था कि दूध उसके पास आके कहते हैं ए औरत, तूने अंगूर नहीं खाने, तूने शराब नहीं पीनी, वाइन नहीं पीनी, अंगूर का जूस भी नहीं पीना, अंगूर के बीज भी नहीं खाने, क्योंकि मैं तुझे परमेश्वर तुझे एक ऐसा बेटा देगा जो इसराइलियों को छुड़ाएगा, उनका न्याय करेगा। और बाइबल में लिखा सैमसन पैदा हुआ, शिमशोन जिसे आप हिंदी में कहते हैं। लिखा जब शिमशोन पैदा हुआ तो वो इतना सामर्थी था कि 1,000 बंदे को गधे की जबड़े की हड्डी से उसने मारा था। लोग उसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मसा किया था अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि पुराने नियम में लड़ाई जायज थी। जब तक यीशु मसीह का वंश ना आता, यीशु मसीह ना आते, तब तक यीशु परमेश्वर ने कहा था मार के बदले मार, मौत के बदले मौत, ताकि यीशु मसीह का वंश बचा रहे। इसलिए वो लड़ते थे और परमेश्वर ने उन्हें एक फिजिकल पावर दी थी और स्पिरिचुअल पावर दी थी। और बाइबल में लिखा जब वो गधे की जबड़े की हड्डी से 1,000 बंदे को उसने मारा। आप सोच लो 1,000 बंदा कितना होता है, कोई बंदा 5 लोगों को हरा नहीं सकता। 1,000 बंदे को उसने गधे की जबड़े की हड्डी से खत्म कर दिया। एक ऐसा सामर्थी भविष्यद्वक्ता, न्यायी इसराइली लोगों का। लेकिन अगर आप 14 बाब पढ़े न्यायियों का, तो वहां पर लिखा है सैमसन ने एक पलिश्ती स्त्री को देखा। आप 15 बाब की 1 आयत पढ़े न्यायियों की, तो वहां पे लिखा है सैमसन अपनी पत्नी के पास गया।
उसके बाद उसकी पत्नी, उसके ससुर ने उसकी पत्नी के साथ उसको मिलने नहीं दिया, वो अलग हो गए दोनों। उसके बाद तीसरी आयत में लिखा सैमसन वैश्या के पास गया, 16 की एक आयत में सैमसन वैश्या के पास गया। 14 आयत में वो किसके पास था, बोलो, स्त्री के पास। 14 बाप में किसके पास था वो, 15 बाप में किसके पास था वो, पत्नी के साथ। 16 बाप में किसके साथ था वो, एक वैश्या के साथ। यानी लड़की चाहिए ही चाहिए। सैमसन एक माइटी भविष्यद्वक्ता, एक माइटी प्रॉफेट, एक माइटी न्यायी, एक जबरदस्ती परमेश्वर का जन, जिसमें परमेश्वर का आत्मा जब बल से उतरता था तो बड़े 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 दुश्मन भागते थे, बड़ी बड़ी सेनाएं उससे अकेले पंगा नहीं ले पाती थी। एक कमजोरी, क्या कमजोरी, लड़कियां। 14 बाप में किसके पास है वो, स्त्री के पास। 15 बाप में किसके पास है वो, पत्नी के पास। 16 बाप में फिर किसके पास है वो, वैश्या के पास, क्योंकि लड़की उसकी क्या थी, कमजोरी। एक माइटी भविष्यद्वक्ता जिसके बारे में बाइबल कम से कम दाऊद जितना तो लिखती, कम से कम दाऊद जितना तो वो लंबा होता, कम से कम 3-4 चैप्टर तो उसके होते अगर परमेश्वर ने एक ऐसा जन दिया था। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, सिर्फ 3 लोगों के विषय में या कुछ लोगों के विषय में स्वर्ग दूतों ने उसके आने से पहले पब्लिक को बताया हो, उसकी मां को बताया हो या लोगों के जन को बताया हो। उनमें से एक था सैमसन, उनमें से एक था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, तीसरा था प्रभु यीशु मसीह। एक ऐसा जन जिसके बारे में स्वर्गदूतों ने बताया कि तेरे घर एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो परमेश्वर का माइटी जन होगा। लोगों को लगता है कि सैमसन बड़ा डोले वाला इंसान था, वो डोले वाला इंसान बिल्कुल नहीं था, वो पतला सा इंसान था। वो इतना पतला था कि लोग उसको देखे गलती कर बैठते थे कि इसने क्या करना है, ये तो पतला सा इंसान है। पर लिखा जब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता था तो वो लोग हैरान होते थे कि ये पतला सा इंसान 1000 बंदे को कैसे मार सकते हैं। अगर वो मोटा होता तो लोग बोलते नो, ही इज फिजिकली स्ट्रांग, ये तो फिजिकली स्ट्रांग है इसीलिए ये लोगों को मार सकता है। शायद इसकी जेनेटिक कुछ ऐसा हो गया, शायद रब्बो ही ऐसा पैदा हो गया है, शायद रब्बो ही जान आ गई। पर वो पतला सा था इसलिए लोग हैरान होते थे कि इतना पतला हमारे जैसा व्यक्ति 1000 बंदे को कैसे मार सकते हैं। कम से कम बाइबल में उसके 15 चैप्टर होने चाहिए थे, 30 चैप्टर होने चाहिए थे, कम से कम 2-3 बुक्स वो चलता। वो क्यों, क्योंकि वही जन था जिसके बारे में दूतों ने कहा था कि मैं तुझे एक परमेश्वर तुझे एक ऐसा जन देगा जो परमेश्वर की ओर से अपने लोगों का न्याय करने के लिए आएगा। पर हुआ क्या, एक डेस्टिनी वेस्ट हो गई, एक जीवन वेस्ट हो गया पाप के कारण। परमेश्वर ने कहा हर एक पुरुष व्यभिचार के डर से अपनी पत्नी के पास रहे और हर एक व्यक्ति व्यभिचार से दूर रहे, क्योंकि तुम्हारा शरीर मसीह का क्या है, अंग है। तुम अपना अंग लेकर वैश्या का अंग नहीं बना सकते। कहता तुम्हारा अंग, तुम्हारा शरीर अगर वैश्या का अंग है तो तुम और परमेश्वर फिर एक नहीं हो। इसलिए व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करते हैं वो देह से बाहर हैं, पर व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के खिलाफ पाप करते हैं। परमेश्वर ने कहा जो कोई प्रभु के साथ एक संगति में रहते हैं उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा होने का मतलब कोलाओ, संगति का मतलब कोलाओ, यूनानी भाषा में कोलाओ का मतलब ग्लू लगा देना, ग्लू लगा के, गूंद लगा के मुझे परमेश्वर के साथ जोड़ देना। अब मैं जहां जा रहा हूं परमेश्वर मेरे साथ जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ क्या लगाई हुई है, गूंद, बोलो गूंद, ग्लू, ऊंची बोलो ग्लू। मैं कैसे जुड़ूं परमेश्वर के साथ, ग्लू से। फिर एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह चर्च में हो, बोले मैं संगति करता हूं, और रात को वो वैश्या के पास हो, वो क्रिश्चियन नहीं है। और बाइबल के मुताबिक उन्होंने कहा अपनी संगति से उसे क्या कर दो, निकाल दो, उसके साथ खाना भी ना खाओ, उसको शर्मिंदा करो, ताकि एक दिन वो तौबा करे और परमेश्वर के पवित्रता को समझे और ये समझे कि चर्च इसीलिए पैदा होती, पास्टर इसीलिए पैदा होते हैं, प्रेरित इसीलिए पैदा होते हैं कि वो तुम्हें ये बता सके कि यीशु मसीह का आने का टाइम नजदीक है, वो आने वाला तुम्हें लेने के लिए। लेकिन वो बादलों के रथों के साथ आएगा, तुम जीवित उठा लिए जाओगे, तुम बदल जाओगे, तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। ओ आपका आमीन छोटा है चर्च, तैयार रहो परमेश्वर के साथ जीवित आसमान पे जाने के लिए। आमीन छोटा है चर्च, आमीन छोटा है चर्च, हालेलुया। 14 बाप में वो एक औरत के साथ है, 15 बाप में वो एक अपनी पत्नी के साथ है, पत्नी गई तो 16 बाप में वैश्या के साथ है। यानी मुझे औरत चाहिए ही चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पत्नी नहीं तो वैश्या हो, ये उसकी कमजोरी थी। और बाइबल में लिखा
13 बाप से सैमसन की जिंदगी स्टार्ट हुई और 16 बाप में खत्म हो गई। 13, 14, 15, 16 एक ऐसा जन जिसके बारे में 3 चैप्टर होने चाहिए थे, 4 अध्याय में खत्म कर गया वो, 4 अध्याय में खत्म हो गया वो। एक ऐसा व्यक्ति जो टॉप पे होना चाहिए था, आज वो एक फेलियर के रूप में बैठे है। कारण क्या है? वीकनेस। कारण क्या है? कमजोरी। अपनी कमजोरी पे काम ना करना, पाप पे अपने आप पे हावी होने देना। आप यीशु मसीह से बड़े तो नहीं है, हैं? बोलो, अगर यीशु मसीह ने कहा कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास प्रार्थना नहीं जाती, कहा कि नहीं कहा? और किसको कहा था ये? जब एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेके आया था और उसका बच्चा मिर्गी का रोगी था, और यीशु मसीह ने किसको डांटा था? मिर्गी को कि दुष्ट आत्मा को? हाँ, दुष्ट आत्मा को। सही कह रहा हूं कि नहीं? किसको डांटा परमेश्वर ने? लिखा जब उसको उसके बाप ने बोला मैं इस बच्चे को तेरे चेलों के पास लेके आया, यीशु मसीह ने कहा लेके आओ, और लिखा यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और उसके बाप ने बोला था इसे मिर्गी आती, ये कभी कभी पानी में गिरते हैं, कभी कभी आग में गिरते हैं, इसे मिर्गी आती। यानी वो दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ में क्या लेके आई? बोलो, मिर्गी। हाँ के ना? लिखा है गूंगे को, एक बहरे हकले को यीशु मसीह के पास लेके आए, एक गूंगे को यीशु मसीह के पास लेके आए। लेकिन जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला तो गूंगा बोलने लगा। यानी वो दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ में क्या लेके आई? गूंगापन। हाँ के ना? जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला तो यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने कहा, 9 चेलों ने, 3 जो उसके साथ थे वो उसे निकाल सकते थे क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल थे दूसरे चेलों से, वो परमेश्वर के साथ थे। जब परमेश्वर ट्रांसफॉर्म हुए, वो सबको स्टोरी मालूम है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, कितनों को बताया वो स्टोरी, जब पहाड़ में यीशु मसीह थे। और लिखा जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और चेलों को बोला, चेले बोले हम क्यों नहीं निकाल सके? यीशु मसीह ने कहा कुछ जातियां बिना प्रार्थना और बिना उपवास, बोलो, नहीं जाती। अब चर्च में लोग प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं जानती? पूछो उनसे, क्या फास्टिंग की है कभी? क्या फास्टिंग की है कभी? परमेश्वर ने कहा वो दुष्ट आत्मा जो मिर्गी लेके आई, बिना फास्टिंग, बिना प्रेयर वो नहीं जाएगी। चाहे तुम मेरे चेले हो, नहीं जाएगी। चाहे तुम अच्छे विश्वासी हो, नहीं जाएगी। अब आप प्रेयर कर रहे हो परमेश्वर ये वाली प्रॉब्लम जाए, क्यों नहीं जाती? अपने दिल से पूछो, फास्टिंग की है कभी मैंने? कभी 7 दिन रात के रोजे रखे हैं? कभी 3 दिन रात के रोजे रखे हैं? मुझे शुगर है जी, ठीक है 12 बजे से शुरू करो, 2 बजे से शुरू करो, शुरू करो कुछ, फाइट करो, क्योंकि आप बाइबल से ऊपर नहीं हो। अगर यीशु मसीह ने कह दिया कि ये मैं इस दरी से बाहर आकर काम नहीं करूंगा, तो वो दरी के अंदर अंदर ही काम करेगा। अगर आप अमेरिका की सहूलतें लेना चाहते हो, आपको अमेरिका के सिटीजन बनना पड़ेगा। हाँ के ना? इंडिया के सहूलतें लेना चाहते हो, है क्या काटी है पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इंडिया के क्या बनना पड़ेगा? सिटीजन। हाँ के ना? आप अमेरिका से बाहर जाके आप अमेरिका की सहूलतें ले सकते हो? हाँ? आप वचन से बाहर जाके क्या दुष्ट आत्मा से फिर आजादी ले सकते हो? अगर परमेश्वर ने कहता बाइबल दे विच कि कुछ चीजा बिना प्रेयर ते बिना रोजे रखे नहीं जांदियां, फिर तुसी उनू कितना कल्ली प्रार्थना ना कर सकते हो? फिर प्रार्थना भी किन्नी है? 15 मिनट दी। ऐसा दे केस जे व्हील चेयर ते बैठे, मैं किन्नी प्रेयर कर दे तुही? 15 मिनट। मतलब तुसी कैंसर दे बुखार नू क्रोसिन ना खत्म करना चाहते हो, तुसी टीबी दे बुखार नू अद्धी क्रोसिन ना खत्म करना चाहते हो। सिर दर्द वाला बुखार ते खत्म हो सकता है क्रोसिन दे नाल, पर टीबी लई अलग कोर्स लेना पैंदा लोगों। हाँ के ना? अगर परमेश्वर ने कह दिता बाइबल दे विच कि कुछ चीजा बिना उपवास तो बिना प्रेयर तो नहीं जान गिया, फिर चर्च कौन है जी परमेश्वर नू प्रार्थना कर रही है और कह रही मैं इस प्रॉब्लम तो हले तक आजाद क्यों नहीं है, और फिर कह रही है परमेश्वर जवाब क्यों नहीं देता? परमेश्वर पहले ही बाइबल जवाब दे चुका है, कुछ चीजा बिना उपवास नहीं जान गया। हालेलुया। और रुकावट हो सकती है, और फाइनेंशियल रुकावट हो सकती है। अगर एक व्यक्ति दे मिर्गी जड़ी है और दुष्ट आत्मा द्वारा हो सकती है, गूंगापन दुष्ट आत्मा द्वारा हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, और नशा हो सकता है, और बीमारी हो सकती है, और करते विच कलेश हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जड़ी उस दुष्ट आत्मा ने उपजाई हुई, और हर वो चीज जड़ी उन्हें आज उपजाई है, और पट्टन और जलान का टाइम आ चुका है चर्च। अब जिन्हें लंबा ब्लेसिंग और निपटी है बाय फायर। आमीन। किन्ने मेरी गल नू समझ रहे? एक ऐसा प्रोफेट, एक ऐसा न्यायी जिसे कम से कम 10
कम से कम 15 चैप्टर तो होंगे, कम से कम दो तीन किताबा जो नाम से होंगे, कुछ लंबा तो चलता, कम से कम पाप शॉर्ट करता, तुम छोटा करता लाइफ नू, तेरी ब्लेसिंग नू, तेरी फैमिली ब्लेसिंग नू, फैमिली पीस नू। इसलिए फैमिलीज ऑर्डर दे विच नहीं, एक तो मुंह इधर है, वाइफ का उधर है, हसबेंड का उधर है, न्याणिया का इधर है, मम्मी डैडी का इधर है। क्यों? पाप की वजह देना है। तो पवित्रता एंटर कर दी है घर, प्रेयर एंटर कर दी, वचन एंटर कर दें, उपवास एंटर कर दें, तेरा घर, तेरा बिजनेस, तेरी जॉब, हर एक चीज जो तेरे नाल जुड़ी है ऑर्डर च आना स्टार्ट होंगी। यीशु के नाम जो ऑर्डर रिसीव करो, यीशु के नाम जो ऑर्डर रिसीव करो बाय फायर, वो ऑर्डर रिसीव करो यीशु के नाम दे विच, ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करो यीशु मसीह सामर्थ्य नाम दे विच। आमीन। इतने लंबा और अच्छा ब्लेसिंग होनी वटी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जब तुम प्यासे हो गए नहीं परमेश्वर दे लई, पर प्यास सड़ी जिंदगी च एंटर करे। आमीन। छोटा है तुम किसी उवासी लेंदे देखोगे ना, उवासी लेंदे तुम भी वासी आने शुरू हो जाएंगे। तुम ऐसी चर्च के बीच हो, अगर तुम आते रहे तुम बिना बेदारी तो वापस नहीं जाओगे, तुम बिना प्रेयर और फास्टिंग वाली लाइफ तो वापस नहीं जाओगे। ओ आमीन। छोटा है चर्च, आमीन छोटा है। अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू करो, इस तो पहला कि वो कमजोरी तनु खाए, तनु शॉर्ट करे। कमजोरी नू खा जाओ प्रेयर दे नाल, ओनू खा जाओ फास्टिंग दे नाल, ओनू खा जाओ अपना अपनी लाइफ का सब तो वड़ा दुश्मन समझ के। वो आलस एक कमजोरी है, प्रेयर ना करना एक कमजोरी है, फास्टिंग ना करना एक कमजोरी है। हालेलुया। लोग कहते मैं बुजुर्ग हो गया जी। बाइबल लिखा एक औरत जी 84 साल तो विधवा सी, अपने पति ने 7 साल रह पाई सी, कम से कम 110 साल दी होनी हो। लिखा उपवास कर करके परमेश्वर दी बाट जोंदी सी, जड़ी 100 साल तो ऊपर सी उपवास कर रही सी। आज एक जवान उपवास नहीं कर रहा, वो 100 साल तो उत्ते सी बाइबल च, उपवास कर करके परमेश्वर दी बाट जो रही सी, इंतजार कर रही सी परमेश्वर मसीह नूं देखण दा इंतजार कर रही सी। ओदियां प्रेयर्स सीगियां जिन्होंने जिसने बहुत कुछ किया सीगा, क्योंकि बिना प्रेयर परमेश्वर धरती से कुछ नहीं करते, वो अपने आप धरती से कोई काम नहीं करते जब तक कलीसिया प्रेयर नहीं करेगी। इसलिए यकूब मारिया गया ते पतरस बचाया गया, क्योंकि पतरस लिए कलीसिया ने प्रार्थना करनी शुरू की थी। प्रेयर स्पिरिट तेरी लाइफ च एंटर करे आज तो, और मैं देख रहा अपनी स्पिरिट च एंटर होंदे हुए। बेदारी स्पिरिट एंटर करे, प्रेयर स्पिरिट एंटर करे, फास्टिंग स्पिरिट एंटर करे, फास्टिंग स्पिरिट एंटर करे, प्रेयर स्पिरिट एंटर करे, परमेश्वर के वचन नु पढ़न दी स्पिरिट एंटर करे, कमजोरियां नु खान दी खत्म करन दी जलान दी स्पिरिट एंटर करे यीशु दे नाम। हालेलुया। हर ओ व्यक्ति, हर ओ क्रिश्चियन जिदी लाइफ दा पहला मकसद स्वर्ग लिए तैयार होना नहीं है, वो गलती कर रहा है अपनी लाइफ दे विच। हालेलुया। वो गलती कर रहा है जिहड़ा परमेश्वर दा इंतजार नहीं कर रहा कि यीशु मसीह मैनूं लैण दे लई आने वाले, कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि जिहड़ा व्यक्ति यीशु मसीह दे आने दा इंतजार करता होएगा वो डरेगा, उदी बीमारी भी उन्हें हटा नहीं पाएगी, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर आज मैं बीमार हाँ और मैं हट गया और यीशु मसीह लैन आ गए की बनूंगा। वो गरीब है पर दो नंबर का पैसा, शैतान का पैसा उन्हें परमा नहीं रहा। क्यों? उन्हें पता है कि मैं पैसा तो खा लांगा, पर जे अज रात यीशु मसीह लैन आ गए मैं कितने जा रहा, स्वर्ग के नरक। पौलुस ने बड़ी बड़ी गल लिखी है बाइबल च, कहना जे तुसी क्रिश्चियन हो ते सिर्फ इसे जिंदगी दे विच यीशु मसीह तो आस रखते हो, तुसी अविश्वासियां नालों भैड़े हो। कहना जे तुसी क्रिश्चियन हो ते इस जिंदगी च ही यीशु मसीह तो सिर्फ आस रखते हो, तुसी अविश्वासियां नालों भैड़े हो, क्योंकि तुसी सिर्फ इसे जिंदगी च परमेश्वर नू कहंदे हो काम करे, तुहाडा ध्यान उत्थे नहीं जिते होना चाहिए। कहंदा तुसी अविश्वासियां नालों भी भैड़े हो जे तुसी परमेश्वर नू मन के भी स्वर्ग जान दे बारे समझ नहीं सके। तां जो कोई परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन, वो स्वर्ग का अधिकारी होगा, उसके पाप मिटाए जाएंगे। जो पाप मिटाए जाएंगे तुहाडे वंश बदलन वाले है, रिश्तेदार बदलन वाले है, मोहल्ले बदलन वाले, चर्च पिंड बदलन वाले, शहर बदलन वाले है, स्टेट्स देश आई मीन छोटे है। हालेलुया।
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਨਿਰਬੁੱਧੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋੜ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ 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 ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਪੁੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਣੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਓਰਿਜਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਸਵਰਗ ਜਾਓ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੇਸ ਬਾਈ ਫਾਇਰ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤਵੀਤ ਪਵਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਵਰਗ ਕਿ ਨਰਕ? ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਆਮੀਨ ਛੋਟੇ ਚਰਚ, ਆਮੀਨ ਛੋਟੇ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਜੋਣਾ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜੀ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਿਸਕੋਟ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਥੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਮਸੀਹ 'ਚ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਡੇਲੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਮਸੀਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਔਰ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਆਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਟੀ 'ਚ ਬੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ 'ਚ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਭੇਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸਰਮਨ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, 30 ਗੁਣਾ, 60 ਗੁਣਾ, 100 ਗੁਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਲ ਨੇ, ਕੋਈ 30 ਗੁਣਾ ਫਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 60 ਗੁਣਾ ਫਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਲਾਲਚ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਤੇ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਾਂਸ ਗੰਦਾ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਿੱਲਰ ਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਐਫਰਟ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਚਰਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚ ਸਾਫ ਕਰਨ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੋਝ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਏਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਟੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪਰ ਜੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਬਸ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਦਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖਾਂ महीने च एक दिन मैं बीमार होके नजला लवा के घर बैठ सकता पर मैं चर्च आके सेवा नहीं कर सकता एक दिन ते इसलिए परमेश्वर कहता तू नजला लवा के बैठ दो दिन कर क्योंकि तू चर्च जाने वाला इंसान नहीं है बुखार हो गया दो दिन असि घर बैठ सकते छुट्टी करके पर चर्च लिए स्पेशल चलो दरिया साफ कर चलिए चलो बाथरूम साफ कर चलिए मैं रात के एक बजे तक काम करके गया इतों ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 80-120 ਬਾਥਰੂਮ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਝ ਹੈ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਹ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਪਰ ਚਰਚ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਲੈਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਚਰਚ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਹਰ ਵਰਦਾਨ ਤੇਰਾ ਹਰ ਦਾਨ ਤੇਰੀ ਹਰ ਤਾਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ hundreds ਆਫ ਗਾੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਭੀਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਾ ਰੱਖ ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਤੀ ਪਰ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ
वो चीजा क्यों ना ब्लेस रहन गया, वो जॉब्स क्यों ना ब्लेस रहन गया, वो फैमिलीज क्यों ना ब्लेस रहन गया, वो बिजनेस क्यों ना ब्लेस रहन गए जेडे परमेश्वर दे काम आ रहे हैं। आमीन। छोटा चर्च एक जिम्मेवार चर्च का विश्वासी होने के नाते कि मैं ये भी नहीं देख सकता कि मेरे महल्ले चो अज कौन चर्च नहीं जा रहा, मैं उसका किराया खर्चन नहीं तैयार हाँ, मैंने तो पैसे नहीं चाहिए, तेरा हार्ट चाहिए मैं परमेश्वर च। आमीन। अज कौन है अज मेरे महल्ले च रह गया, अज कौन है मेरे महल्ले च जिसकी फीस नहीं गई स्कूल की, कि विधवा ने अज रोटी नहीं खाधी, कि अनाथ है स्कूल नहीं गया, या अज कौन है जरा चर्च अटेंड नहीं कर रहा है पैसे दे करके कि मेरे को किराया नहीं है। लेकिन असं इन्ने सेल्फ कॉन्सनट्रेट हाँ, इन्ने सेल्फिश हाँ कि सू सिर्फ अपना ध्यान है, दूसरे का कभी ध्यान नहीं। जो तुहाडे केस हल ना होन उन्ना लोगों के लिए प्रेयर करो जेडे सेम तुहाडे वर्गी प्रॉब्लम दे विच है, अपने आप हल होने शुरू होंगे। सेम केस अगर तुहाडी मैरिज नहीं हो रही, तुसी 32 साल दे हो 34 साल दे हो, उन्ना सिस्टरां लई भरावां लई प्रेयर करो जिन्हां दी मैरिज नहीं हो रही, बोझ नाल रोजे रख के तुहाडी मैरिज पहला होगी उन्हां दे नाल हो। किन्नी वारी अपने पास्टर लई प्रेयर कीती है रोजे रख के, किन्नी वारी अपने अगुए लई प्रेयर कीती है रोजे रख के, किन्नी वारी दिन च असीं मंगदे हां परमेश्वर कोलों कि परमेश्वर ऐदां कर या उदां कर, नो। क्योंकि कलीसिया होने के नाते कुछ जिम्मेवारियां, और जो बंदा अपनी जिम्मेवारियां तो भजदा है वह अपनी ब्लैसिंग्स तो भजदा। अगर अज कमजोरिया से काबू नहीं करांगे, कल नूं कमजोरियां साढ़े से काबू करनगियां। उन्हूं उगन तो पहला ही मार दियो, पेड़ बनन तो पहला ही वढ़ दियो उन्हूं, वो छोटी बूटी पहला ही वढ़ दियो उन्हूं, पेड़ ना बनन दियो, नहीं तो बाद च ज्यादा जोर लगेगा, ज्यादा पसीना आएगा, टाइम वेस्ट होएगा। हालेलुया। अपनी लाइफ परमेश्वर डेडिकेट करने का टाइम आ चुका है, मोर देन दैट पूरी डेडिकेशन परमेश्वर का काम करने का टाइम आ चुका है। जिस टाइप की बेदारी पंजाब से शुरू हो चुकी है, डेडिकेशन रीडेडिकेशन की लोड़ है सानू। जगह 16 घंटे काम से हूं 24 घंटे काम करने की लोड़ है सानू। काम तो उठे थे प्रेयर, प्रेयर तो उठे थे काम, दैट्स इट। कभी जी के देखो परमेश्वर दे लई तड़ियां प्रॉब्लम्स हवा च उड़ जाएंगी। हूं मैं रियल कह रहा तेनों, तेरिया प्रॉब्लम हवा च उड़न गया, मजाक बन जाएगा तेरे लिए, मजाक बनेगा मैं कहा तेरे लिए। रिसीव करो उस बेदारी नु परमेश्वर दे नाम दे विच। आमीन। बोला उच्चा हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। ये कलीसिया की जिम्मेवारी है आत्मिक रीति ने तैयार रहना, क्योंकि मैं तैयार हाँ परमेश्वर नु परमेश्वर की बाट जोन दे लई, अगर अज आ जाए ओदे नाल जान दे लई। एक कलीसिया तैयार रहे अपनी बेदारी दे विच हिस्सा पाण दे लई, कि चर्च में जो काम हो रहे हैं, जो दर्शन परमेश्वर ने दिता उहदे च मेरा की हिस्सा है, मेरा कितना जोर है उस दर्शन दे विच जिहड़ा परमेश्वर ने मैनूं दिता। बाइबल च कदी भी परमेश्वर ने किसी विश्वासी नाल गल कीती ते दिखाओ, कदी नहीं। उन्हें प्रेरितां नाल गल कीती, प्रोफेट्स नाल गल कीती, उन्हें एक दर्शन दिता, उन्हें अपनी प्लैनिंग समझाई, लोगों नूं कहा पिछा करो और सब लोग ब्लैस होए। ये परमेश्वर की प्लैनिंग, और लीडर्स नाल गल करदा हूं, वो अनमैनेज्ड परमेश्वर नहीं है, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। वो अनमैनेज्ड परमेश्वर नहीं है, वो तुहानू तरीका दसदा ब्लेस होने का, एक दर्शन दसदा तुहानू, उस दर्शन का मकसद अगर रूहां बचाना है, अगर परमेश्वर के राज नू बेदारी नू अगे लेके जाना है, वो दर्शन बेस्ट जगह है तेरा काम करने के लिए। आमीन। क्योंकि उत्थे मेहनत की हुई वेस्ट नहीं जाएगी, हुण तां कुछ करन दा टाइम है चर्च। आमीन। मंगन दा टाइम नहीं है, परमेश्वर दे राज नूं वधाउण दा टाइम है, लोकां नूं तैयार करन दा टाइम है, पापियां नूं सुधारन दा टाइम है, चर्च तुहानूं इनवाइट करन दा टाइम है ताकि वह सुधरन, स्वर्ग जाने लई तैयार होन, एक जिम्मेवार क्रिश्चन बनन। क्योंकि टाइम आएगा एक ऐसा पुल पार करना पएगा तुहानूं, फैसला करना पड़ेगा कि मैं रहना कि मैं अगे जाना है। अगे वही जाएगा जिहड़ा आत्मिक ध्यान वाला बंदा होएगा, क्योंकि दूजे बंदे नूं इस पासे भी फायदे नजर आ सकते हैं, उन्हें ट्रबल नजर आ सकते हैं, डर दे करके वो रह सकता है, लेकिन अगर आत्मिक होएगा वो सब कुछ खोलने तैयार होएगा परमेश्वर के लिए, और सब कुछ पा के खड़ा होएगा पुलपट के ऊपर। आमीन। छोटा चर्च बाय फायर रिसीव करो उस आत्मा नूं, हर गलत आत्मा चली जाए, रॉन्ग स्पिरिट चली जाए, गलत आत्मा जानती रहेगा। आमीन। उच्चा चर्च तेरे बच्चों चो जाए, जिंदगी चो जाए, तेरे जीवन चो जाए। आमीन। जिन्ना लंबा ब्लेसिंग।
धन्यवाद करो दो मिनट परमेश्वर अपने हाथों को उठाते हुए उच्ची आवाज के बीच थैंक यू जीसस बोलते हुए थैंक्स करो परमेश्वर उच्ची आवाज के बीच थैंक यू जीसस उच्ची आवाज बोलो थैंक यू जीसस उच्ची आवाज दे विच हाथों उठा बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं 2018 च इस तरह प्रेयर करन दे लई जितना मैं कदी नहीं कीती इस तरह रोजे रखन दे लई जिस तरह मैं कदी नहीं रखे इस तरह बाइबल पढ़न दे लई पवित्रता च जीन दे लई जिस तरह मैं पहला कदी नहीं जिया ओ अनुग्रह ग्रैंड करो यीशु दे नाम दे विच द आमीन फायर वाला ओ ब्लेसिंग लेप्रोसोक टॉप 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 नेप्रिया मसोक का मखंडे हेला कुरा खाने खासे नाम्रो बस्ता बोलो कर रेबो बस्ता क्या मखंडिया नाम्रो मोस्तो को बेके नेंदो नमा हरिया बारा बड़ो कोस्तो कुंदे थैंक यू जीसस सोना बोलो हालेलुया जड़े इस हालेलुया नु बोल रहे हो फायर रिसीव कर रहे हैं आमीन आमीन तैयार रहो 2018 इस तरह प्रेयर करने लिए कदी नहीं कीती आपां इस तरह रोजे रखने लिए कदी नहीं रखे ऐदा बाइबल पढ़ने लिए कदी नहीं पढ़ी ऐदा पवित्रता च जीने लिए कदी नहीं जिए ग्रेस ग्रहण करो यीशु दे नाम दे विच आमीन बोल के हाथों उठा के हालेलुया जो लोग जिस चीज का पीछा तेरे पीछा करनगे ओ चीजा ब्लेसिंग्स तेरे पीछा करनगे ओ ब्लेसिंग्स तनु मिलनगे ओ ब्लेसिंग जिन्हें लोग पीछा करते और पांदे नहीं तुसी अपने आप नु ऊंचिया जगहों पर बैठा हुआ देखोगे आमीन आमीन जोर ना बोलो हालेलुया तैयार आप जींद लई परमेश्वर के नाम दे विच तैयार पवित्रता जी जींद लई जिम्मेवारी जीन दे लई आमीन परमेश्वर तुहानू वधाए उहदी फैमिली नू बरकत दे संघर्ष खत्म करे ओ शैतान दे काम फिनिश करे तेरी तेरी लाइफ तेरी फैमिली डेवल फ्री जोन होए बैड न्यूज कैंसल होए बीमारियां कैंसल होन आमीन जिन्ना लंबा ब्लेसिंग होनी बड़ी है हालेलुया हालेलुया बोलो मैं अपनी कमजोरियां खा जावांगा आमीन या तो वह तुम खान गिया या तुम उन्होंने खाओगे एक चीज जरूर होएगी न्यूट्रल नहीं रह सकता काम 50-50 नहीं रह सकता या तो तुम व्यभिचार खा जाओगे खत्म कर दूंगे उस कमजोरी नू या वह तुम खाएगा दोनों च एक चीज होनी है या तो सैमसंग खादा तो या वह शमशोन खादा एक माइटी प्रॉफिट चार चैप्टर च खत्म हो गया 13-14-15-16 हजार बंदे नू हाथ ना मारने वाला बंदा चार चैप्टर च गायब हो गया 17वें चैप्टर दा नामो निशान है नहीं 13वें चैप्टर च ओदा है नहीं क्योंकि उहदी मां हले प्रेगनेंट सी 14-15-16 च खत्म हो गया हूं जिन्हों लंबा याद किया जाना चाहिए दाऊद दे वांग वो फिनिश हो गया
हालेलुया। दाऊद ने भी पाप किया और अपने पाप नु मन्या, सजा मिली, अबशालोम के खिलाफ होया, बहुत सारी चीजा हुई। पर सैमसंग उन्हें गलती नहीं की, उन्हें जानबूझ के पाप किया, और देखो मिस्टेक नहीं हुई हो, वो जानबूझ के रिलेशनशिप से सिखाओ। कभी गर्लफ्रेंड से नाल, फिर वाइफ, चलो वाइफ तो चलो ठीक है, लेकिन जो वाइफ गई फिर वैश्या, और उससे वैश्या ने उदा गर्दन, उदी गर्दन वटान ते आ गई हो, पहला अखा कटाइया यानी दर्शन खत्म कर देता, दिखना बंद हो गया। लोगों नहीं बता जाते जाते गर्लफ्रेंड आई है, उन्हें आईज बंद हो चुकी हैं, क्यों? परमेश्वर कुछ दिखा नहीं रहा, कितने जाना है कोई पता नहीं, कंफ्यूजन है जी, मैं की करा, मैंने कुछ पता नहीं, क्यों? आईज करती शैतान ने, अन्ना कर देता बंदे नु, हुन कोई फैसला नहीं ले पा रहा, कितने जाना कोई पता नहीं, पवित्रता की कमी, फायर की कमी। जो प्रभु एक संगति रहेगा, एक आत्मा होएगा, एक आत्मा होएगा तो रब गल भी करेगा, वो गाइड भी करेगा, रस्ता भी बनाएगा, कंफ्यूजन खत्म भी करेगा। पर एक एक तन एक आत्मा होवांगे किदा, जे रब ने ग्लू ला ली तो राती ब्लू फिल्म किदा देखांगे आप, वो भी तो देखनी है कि नहीं? जे रब नु ग्लू ला के अपने नाल जोड़ लिया तो फिर गल्लां किदा करांगे गंदियां मंदियां? वो छड्डो, ग्लू नहीं लानी, चेपी नाल जोड़ लैने, बाद च ला देंगे थोड़ी देर, फिर चल जाएंगे संडे तो घर पता लगना कि मजाक करते परमेश्वर ना, तो परमेश्वर भी मजाक करता, फिर जिंदगी मजाक बन जाती बंद दिया। हालेलुया। या तो कमजोरी नू खा जाओ या कमजोरी तुम्हें खाने वाली है, फिर फैसला तुसी करना की करना। तुम व्यभिचार शुरू होने तो पहले ही पट दो उस बूटे नू, वो 10 रुपए की चोरी नहीं आओ जी कर रहे हैं आप, वो आने वाला बड़ा पेड़ है जो तैयार हो रहा। अपने बच्चे नू 1 रुपया चोरी करना सिखाओगे ना कि काका इस तो वध नहीं करनी, वो तुम 100 रुपया करके दिखाएगा जो वड्डा होएगा, उन्हें 1 पैग दोगे किन्ने लाएगा वो 10, उन्हें 10,000 की कलीसिया दोगे 20,000 बना के दिखाएगा, उन्हें 10 पैग दोगे 20 ला के दिखाएगा। जो तुम अपनी जनरेशन दे के जाओगे वह वड्डा करेगी उन्हें। सोचो असं की देके जा रहे हैं, साड़ी लाइफ कितने खड़ी है। कमजोरियां खत्म करो, खा जाओ उन्होंने, फिनिश कर दो और उभर के बाहर आ जाओ। ओ आमीन छोटे है, मैं कहा उभर के बाहर आ जाओ फिर परमेश्वर के नाम दे विच। कहे दी लाइफ की कमजोरी है जेलसी, और बिना जेलसी तो जी नहीं सकती हो, उन्होंने नमस्ते कर दो ता जेलसी, ना करो ता जेलसी, उसका काम है जेलसी, उन्हें घर बुला लो ता जेलसी, ना बुलाओ ता जेलसी, और उही जेलसी उसकी लाइफ की सब तो वड्डी की है कमजोरी। उही जेलसी ने उसकी ब्लेसिंग रोकी हुई, उही जेलसी ने उसके जीवन के विच शैतान का काम फड़िया हुआ, उही जेलसी जिदे करके परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी च काम नहीं कर पा रहे। अपने पड़ोसी ने बोलो अपनी कमजोरी नू खा, मार दे उनू, इधर कमजोरी तेन मारेगी और खाएगी। हालेलुया। एक माइटी प्रॉफिट 10 चैप्टर च खत्म हो गया। सो सैड बुरी गल है कि एक बंदा जिसकी लाइफ परमेश्वर के प्लान होए वो बंदा जल्दी खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। सारिया कॉन्स्पिरेंसिस, सारिया साजिशा कैंसल होन, सारिया साजिशा कैंसल होन, तनु किरान दिया साजिशा कैंसल होन, तनु किरान दिया साजे कैंसल होन। मंगो अपने हाथ उठा के लेप्रोसो कटक लाप्रिया मसक, हर कॉन्स्पिरेंसी मेरी लाइफ दे विच, मेरे बच्चों की जिंदगी, मेरी पत्नी की जिंदगी, मेरे पति की जिंदगी, मेरे स्पिरिचुअल फादर मदर बोलो, मेरे चर्च दे चर्च प्रोजेक्ट्स इन लाइफ दे विच, हर एक साजिश बाय फायर कैंसिल होए, बोलो कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर।